उत्तराखंड की हिमालयन रेंजेस में सी लेवल से लगभग 5000 मीटर ऊपर मौजूद है रूपकुंड नाम की एक लेक, जिसे लोग स्केलेटन लेक के नाम से भी जानते हैं। और इस लेक को ये नाम इसलिए मिला क्योंकि जैसे ही यहाँ का टेम्परेचर बढ़कर इस लेक की बर्फ पिघलती है तो इस लेक के अंदर मौजूद काफी रहस्य सामने आने लगते हैं और कई सारे इंसानों के स्केलेटन हर तरफ दिखने लगते हैं। लेकिन सबसे हैरानी की बात तो ये है कि साइंटिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट की रिसर्च के बाद भी आज तक किसी को ये नहीं पता कि इस लेक में स्केलेटन आए कहां से। तो इस वीडियो में इस मिस्ट्री से पर्दा उठाएंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। साल 1942 के आसपास H.K. माधवल नाम का एक इंडियन फॉरेस्ट रेंजर जब अपने रूटीन ट्रैक के दौरान हिमालयन माउंटेन एक्सप्लोर कर रहा था तो तभी उसका पैर अचानक से रूपकुंड लेक के पास लड़खड़ा जाता है और गौर से नजर दौड़ाने पर उसके पैरों से मानो जमीन निकल जाती है, क्योंकि उस लेक के पास हर जगह पर सिर्फ स्केलेटन ही फैले हुए थे। और क्योंकि ये लेक साल के ज्यादातर टाइम तक बर्फ में जमी हुई रहती है, इसलिए स्केलेटन पूरी तरह से डीकम्पोज भी नहीं हुए थे और कुछ में तो फ्लैश भी मौजूद था। जिसके बाद जाकर साल 1950s के पीरियड में इस मिस्टीरियस लेक की स्टोरी को पब्लिक के बीच अनाउंस किया जाता है और इस अनाउंसमेंट के बाद सबसे पहला शक जाता है कि ये जापानी सोल्जर के स्केलेटन है, क्योंकि ये पीरियड वर्ल्ड वॉर 2 के बाद के पीरियड था। इसलिए जापानी सोल्जर चुपके से इंडियन टेरिटरीज में छुप गए थे और इतनी हार्श कंडीशन में उनकी मौत हो गई। ये बात सुनते ही ब्रिटिशर फौरन ही अपनी इन्वेस्टिगेशन टीम को वहां भेजती है ताकि वो जापान, जो कि उस टाइम पर ब्रिटिशर का सबसे बड़ा एनिमी था, वो जापान के इस सीक्रेट मूव की तहकीकात कर सके। लेकिन जब ब्रिटिशर की टीम रूपकुंड लेक में मौजूद स्केलेटन पर रिसर्च करती है तो सभी लोग ये जानकर हैरान हो जाते हैं कि ये स्केलेटन जापानी सोल्जर के नहीं बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा पुराने हैं। लेकिन किसी को एग्जैक्टली ये नहीं पता था कि ये स्केलेटन वहां पर आए कैसे, इसीलिए स्केलेटन को लेकर वहां पर अलग अलग तरह की अफवाहें उठने लगती हैं, जिसमें से सबसे मशहूर स्टोरी थी किंग जसधवल की कहानी, जो कि आसपास के लोकल्स के बीच काफी फेमस थी। इस कहानी के हिसाब से जसधवल नाम के एक राजा ने नंदा देवी की यात्रा करने का फैसला किया क्योंकि उसकी बीवी प्रेग्नेंट थी और राजा नंदा देवी जाकर अपने होने वाले संतान को गॉडेस से ब्लेसिंग दिलवाना चाहते थे। इसलिए वो अपने पूरे लश्कर में गाने बजाने के साथ नंदा देवी की यात्रा करते हैं और ये कहा जाता है कि उस टाइम पर लोकल पुजारियों ने उसे इतनी पवित्र स्थल पर इतने शोर शराबे से जाने के लिए वार्न भी किया था, लेकिन फिर भी उस राजा ने उनकी एक भी नहीं सुनी। और इस जर्नी के दौरान जब वो रूपकुंड लेक के पास पहुंचते हैं तो रानी एक बच्चे को जन्म देती है और बच्चे की पैदाइश के बाद राजा इस खुशी का जश्न मनाने के लिए वहां सभी नाच गाना शुरू कर देते हैं और वहां के लोग ये भी मानते हैं कि इतनी पवित्र जगह पर नाच गाना करने की वजह से देवी जी उनसे नाराज हो गईं और वहाँ हेल स्ट्रॉम आ गया, जिसकी वजह से वहाँ सब के सब मौत की नींद सो गए। इसके अलावा रूपकुंड लेक के पास मिली ज्वेलरीज और आर्टिफैक्ट काफी हद तक इस स्टोरी के सच होने की भी पुष्टि करते हैं। लेकिन इस थ्योरी के अलावा रूपकुंड लेक से जुड़ी कई और स्टोरीज भी हैं जो भी काफी फेमस है, जैसे कि कुछ लोग ये भी मानते हैं कि ये स्केलेटन असल में उन लोगों के ग्रुप के हैं जो इस एरिया में उगने वाले मैजिक मशरूम की तलाश में आए थे, जिन्हें लोकल्स कीड़ा जड़ी के नाम से बुलाते हैं क्योंकि इस मशरूम में काफी मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है। लेकिन हेल स्ट्रॉम की वजह से वो वहीं फंसकर सब के सब अपनी जान गंवा देते हैं। वहीं कुछ लोग ये मानते हैं कि ये स्केलेटन कश्मीर के जनरल जोरावर सिंह और उसके सोल्जर के हैं, जो साल 1841 में हुई बैटल ऑफ तिब्बत से लौट रहे थे और उन सबकी रास्ते में ही मौत हो जाती है। इन सब थ्योरीज के पॉपुलर होने के बावजूद भी कोई भी पूरी तरह से श्योर नहीं था कि आखिरकार उस जगह पर ये स्केलेटन आए कैसे और कैसे हुई थी उन सबकी मौत। इसलिए साल 2004 में साइंटिस्ट ने इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए रूपकुंड लेक के पास मिले स्केलेटन से बोन सैंपल कलेक्ट किए और उन पर इन्वेस्टिगेशन शुरू करी और DNA एनालिसिस और रेडियो कार्बन डेटिंग जैसी टेक्निक का इस्तेमाल करने के बाद उन्हें ये पता चला कि ये स्केलेटन्स एक्चुअली में दो ग्रुप्स के हैं, जिसमें से कुछ स्केलेटन तो 9th century जितने पुराने हैं। इसके अलावा साइंटिस्ट ने ये भी बताया कि जो स्केलेटन वहां से बरामद हुए थे उनमें से कुछ लोगों के DNA पूरी दुनिया में कहीं नहीं बल्कि महाराष्ट्र के कुछ स्पेसिफिक रीजन के लोग के ही थे। वहीं दूसरे ग्रुप के DNA कैरेक्टरिस्टिक हिमालय के हिली रीजन में ही रहने वाले लोगों के थे। इसके अलावा रिसर्चर्स ने ये भी कंक्लूड किया कि इन लोगों की मौत सर पर लगी चोट की वजह से हुई, ना कि किसी वेपन से, जिससे ये चीज तो प्रूव हो गई
कि ये स्केलेटन किसी सोल्जर के ग्रुप के नहीं थे, और तो और जो सर पर चोट लगी थी काफी हद तक ये चांसेस भी थे कि ये आसमान से हुए हेल स्टॉर्म की तूफान की वजह से ही लगी हो। और तो और एक बड़ी अजीबोगरीब बात तो ये भी थी कि रूपकुंड लेक के पास से कोई वेपन तो बरामद नहीं हुआ, लेकिन हाँ उस जगह से कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के रिमेन्स जरूर मिले थे। इस डिस्कवरी के बाद काफी हद तक ये प्रूफ तो जरूर होता है कि जो राजा की कहानी लोकल्स के बीच काफी फेमस थी वो सच्ची हो सकती, लेकिन फिर भी साइंटिस्ट पूरी तरह से श्योर नहीं थे, क्योंकि हाल ही में साल 2019 के टाइम पर हुई रिसर्च जो कि 38 स्केलेटन पर करी गई थी उसने रिसर्चर्स को और कंफ्यूजन में डाल दिया, क्योंकि इस रिसर्च के हिसाब से उस जगह पर मिले स्केलेटन दो ग्रुप के नहीं बल्कि तीन अलग अलग ग्रुप के थे, और ये तीसरे ग्रुप के लोगों का डीएनए सैंपल ये पुष्टि करता है कि ये तीसरे ग्रुप के लोग साउथ ईस्ट एशिया और यहाँ तक ग्रीस के आसपास रहने वाले लोगों के थे। तो इस रिसर्च के बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठने लगा कि आखिरकार इतनी दूर ग्रीस में रहने वाले स्केलेटन उत्तराखंड की रूपकुंड लेक के पास कैसे पहुंचे। और तो और इस न्यू रिसर्च में रेडियो कार्बन डेटिंग टेक्निक का इस्तेमाल करने के बाद साइंटिस्ट ने ये भी बताया कि उस जगह पर लोगों की मौत कोई एक इवेंट में नहीं हुई थी, यानी सब एक साथ नहीं मरे थे, बल्कि उनकी मौत हजार साल के दरमियान हुए अलग अलग एक्सीडेंट में हुई थी। इस नई रिसर्च के बाद काफी हद तक साइंटिस्ट और ज्यादा कंफ्यूज हो गए थे, क्योंकि इतने सालों की रिसर्च के बावजूद भी किसी को ये तक नहीं पता था कि इतिहास में ऐसा क्या हुआ था कि तीन अलग अलग ग्रुप अलग अलग टाइम पर एक ही जगह पर आकर कैसे मर गए। क्या ये सिर्फ एक बहुत बड़ा इत्तेफाक था, या फिर सच में ये रूपकुंड लेक ही श्रापित थी? इस सवाल का जवाब ना तो आज तक कोई साइंटिस्ट या हिस्टोरियन दे पाया, और ना ही रूपकुंड लेक में हुई मौतों का इतिहास में भी कोई जिक्र मिला। तो आपके हिसाब से रूपकुंड लेक के पास हुई मौतों की असली वजह क्या थी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।